दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं शालिनी आनंद के घर पर। शालिनी जी जो कि एक्ट्रेस के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं, उनका एक नया प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है, वो क्या करती हैं और उनके प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत क्या क्या बनता है, ये जानकारी हम खुद उनकी जुबान सुनेंगे। तो अब चलते हैं शालिनी जी के पास। तो दोस्तों आज हम हैं बॉलीवुड की जाने माने एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर शालिनी आनंद जी के। हमारे शो का नाम मेरी कहानी मेरी जुबानी और शो का फॉर्मेट है कि हम जो भी सेलिब्रिटी होते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। शालिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में मेरी कहानी मेरी जुबानी में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप कहाँ के रहने वाली हैं और क्या करती हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शो का जो एक थीम है फॉर्मेट है उसमें क्या कि आपकी कहानी आपकी जुबानी दर्शकों तक जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कहाँ की रहने वाली है। सर मैं मथुरा की हूँ। मथुरा के अलावा? मथुरा के अलावा मैं मेरा जो जन्म स्थान है वो गोरखपुर का है यूपी, और पढ़ाई मैंने दिल्ली से की है। आप गोरखपुर की रहने वाली हैं, पढ़ाई दिल्ली से की और मथुरा में क्या था? शादी। मथुरा में आपकी शादी हुई जी। आप इंडस्ट्री में काम करना बचपन से चाहती थी या शौक था ऐसा? सर ये तो एक कहते हैं बाई लक, एक सीरियल था दीदी का दूल्हा दीदी बन के लिए। उस समय मैं ऑन द वे थी, एक डायरेक्टर थी हमारे, उन्होंने मुझे देखा और बोला कि क्या आप एक रोल करेंगी, मेरे सर क्या करेक्टर है, बोले भाग्यश्री जी की बहन का रोल है। भाग्यश्री जी? मैंने कहा भाग्यश्री, अब मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नई थी, मैंने कहा मैं करूंगी। दोस्तों भाग्यश्री अगर आप लोग नहीं जानते हैं बताऊंगा, मैंने प्यार किया मैं जो सलमान खान की गर्लफ्रेंड का रोल किया था सुमन जी, आगे बताइए। तो उन्होंने मुझे बॉम्बे का टिकट किया, मैं आई मुंबई, मुंबई आके मैंने 3 महीने यहाँ पे एपिसोड किए, उसके बाद मुझे बैक टू बैक चेहरे पे चेहरा अंतर्मन काफी सीरियल मिले। तो शालिनी आपकी शुरुआत इसी सीरियल से थी जो आपने बताया या फिर कोई अदर सीरियल? नहीं, दीदी का दूल्हा। दीदी का दूल्हा जी। तो ये सीरियल करने के पश्चात आप शादीशुदा थी या? नहीं अनमैरिड, मेरी उस समय एज 16 इयर्स थी। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूंगा 16 साल की शालिनी थी और 16 साल की उम्र में कितनी खूबसूरत होंगी, वो अभी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात के आपने दीदी का दूल्हा जी 16 साल की उम्र में की थी, उसके बाद अपनी जर्नी आगे कैसे बढ़ी? सर फिर मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग कम आती है तो मैंने इसके लिए एक मार्वल स्टूडियो है दिल्ली में, वहां से कोर्स किया 6 मंथ का, फिर टी सीरीज के एल्बम्स की, सिसोदिया चंदा काफी एल्बम्स की, उसके बाद सीडी मूवीज की, मैंने सुमन नेगी उत्तर कुमार जी के साथ काफी काम किया। शादी के बाद आप मथुरा सेटल हो गई? नहीं सर, मेरे हस्बैंड जो है वो इस लाइन से ही थे, ही इज डायरेक्टर एंड एक्टर, अभिमान सीरियल के एक्टर थे वो, तो लव मैरिज थी हमारी, शादी हुई, शादी के बाद मैंने लाइन छोड़ दी। अजीब बात है, आपके पति इस लाइन में डायरेक्टर थे एक्टर थे, आप शादी के बाद आपने लाइन छोड़ी, बल्कि आप कोई लाइन और आगे बढ़ानी चाहिए? नहीं सर, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, फिर लगा कि फैमिली को टाइम देते हैं कि सही मम्मी शादी हो गई है, हस्बैंड की जॉब थी गवर्नमेंट हुआ, फिर मेरा मिसकैरेज हो गया, फिर मुझे इस लाइन में आना पड़ा, फिर 3 साल मैंने इस लाइन में काम किया। तब उस समय मैंने काफी हरियाणवी सॉन्ग किए थे जिसमें से बुलबुल का बच्चा काफी हिट हुआ था मेरा गाना। Okay. उसके बाद मुझे मुंबई से ऑफर आया कसम से सीरियल के लिए, जी टीवी का कसम जी। अच्छा तो आपके बच्चे? हाँ सर, उसके बाद कसम से मैं, जब मेरा सिलेक्शन हो गया, बालाजी से मुझे 1 लाख का चेक भी मिल गया, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैं कंसीव हूँ, तो फिर मैंने ये लाइन दोबारा से ड्रॉप करी। दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। शालिनी जी जो कि 16 साल की उम्र में बड़ा से बड़े सीरियल किए, उसके बाद उन्होंने शादी की और अपने परिवार और पति की खुशी के लिए अपने ससुराल की इज्जत के लिए उन्होंने काम को छोड़ दिया, लेकिन दोबारा से इंडस्ट्री फिर उनको दोबारा से मौका दिया, आपने कंटिन्यू किया? सर इसके लिए मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरा बेटा हुआ 5 साल का, तो उसी समय मथुरा में एक फिल्म आई थी लुका छुपी, ओके, उसके ऑडिशन के लिए एक मोनू जी है उनका कॉल आया कि आप आइए, भाभी कैरेक्टर है, हस्बैंड बोले जाओ देखते हैं क्या होता है। मैंने बॉलीवुड में पहले काम नहीं किया था, ये मेरी फर्स्ट मूवी थी, मैं गई, लक्ष्मण सर थे वहां पे, उन्होंने जाते ही कहा मुझे कि आप ओके हैं आइए, मैंने वो फिल्म की, उसके बाद बैक टू बैक ड्रीम गर्ल मंडली काफी मूवीज की मैंने। तो आपको जो लुका छुपी मूवी मिली काम मिला, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत अच्छा, मतलब जितने बड़े लोग उतने अच्छे।
उसमें कार्तिक आर्यन जी थे, सेनन उनके साथ आपका सीन था या फिर नहीं? सर सीन था मेरा उनके साथ, हमने साथ में चाय पी, हमने साथ में डिनर किया, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। ओके, मथुरा में काम करने के बाद आपका मुंबई में आना दोबारा से कैसे स्टार्ट हुआ? सर ये एक वेब सीरीज थी कामाक्षी, जिसने की जो कि एमएक्स के लिए है, उसमें मैं राजमाता बनी थी। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसी बातें हुई कि मुझे लगा कि नहीं यार मुंबई जाना चाहिए। तो फिर मैंने हस्बैंड से बात की, हस्बैंड बोले कि बच्चे छोटे हैं क्या होगा, मैंने कहा बताइए आप, बोले ठीक है तुम जाओ, बच्चे मैं संभालता हूँ, पेरेंट्स हैं मेरे वो संभालने बच्चों को, मुंबई आ। अच्छा, हमने कहीं ये भी सुना है हमारे लोगों को, एक हमारी खुफिया एजेंसी भी है जो पता कर लेती है कि आप जब मुंबई आए थे तो आपको मुंबई में आने के बाद बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ा। सबसे बड़ा आपने किया था? नहीं, वो तो अलग चीज है। और आप जो मुंबई आए, पहले मुंबई आए काम किया जी, उसके बाद लॉकडाउन वगैरह जी समस्या आई, उसके बाद आप जब मुंबई में आए तो आपको मुंबई में कुछ चेंज, कुछ फर्क दिखा? सर बहुत ज्यादा, मेरी बहुत खास फ्रेंड है परमिला शर्मा, सर आपको जानते हूँ, उन्होंने मुझे अपने घर में ऑफर दिया कि रहिए आके एज ए पीजी, एज ए फ्रेंड रहिए आके आपसे मिलने से पहले। वहां रही, वहां पे कुछ हादसे ऐसे हुए मेरे साथ, मेरा सामान चोरी हुआ, उसका भी हुआ मेरा भी हुआ। उस समय एक मेरे फ्रेंड है और मेरे पार्टनर है सरफराज खान, जिन्होंने काफी हेल्प करी, उनकी फैमिली ने काफी हेल्प करी। मैं इस बात को यहीं से स्टार्ट करूंगा सरफराज खान के बारे में, क्योंकि मैंने आपकी जुबान से बहुत बार नाम सुना, तो थोड़ा सा ब्रीफ उनके बारे में कीजिए। सर वो कामाक्षी में आए थे एज ए कैमरामैन, और उस समय मैं अपने चैनल के लिए ए सीरीज के लिए गाना करी थी राजू पंजाबी का, तो बाई लुक मुझे वो अच्छे लगे और उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैम मैं एज ए फाइनेंसर काम कर सकता हूँ आपके साथ एज ए हीरो, तो मैंने कहा ठीक है सर। ठीक है, तो सरफराज के बारे में सिर्फ दो बातें जी, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी ये है कि वो बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा, जब वो काम करते हैं ना उन्हें खाने का सोने का कोई होश नहीं होता। बुरा ये है जब वो सोते हैं ना किसी की नहीं सुनती। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि जो सोएगा वो सोएगा, जब जागेगा वो पाएगा। अच्छा, तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है जी सर। मैंने ये भी सुना कि आपने प्रोडक्शन हाउस खोला। सर तमन्ना थी बहुत समय से कि अपना खोलेंगे, मेरे हस्बैंड का भी था, मेरा भी था, सरफराज सर बोले कि मैम मुझे भी खोलना है, तो हमें लगा क्यों ना एक ईमानदारी के साथ अपना काम किया जाए। सर को एडिटिंग भी आती है, सर कैमरा मैन भी, और सर अच्छे डायरेक्टर भी हैं। आपकी बात अगर मैं मान लू तो सरफराज भाई जो हैं वो मल्टी टैलेंट जी, बिल्कुल। तो इस जगह पर आप बहुत लकी हैं कि आपको सरफराज जैसा सर, बिल्कुल मैं कहूंगी आप भाई मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, जो रिश्ता देना दीजिए, लेकिन वाकई में मेरी लाइफ में वो बंदा आया है, उसके बाद से ना मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुम आगे काम करो, एक बंदा अच्छा मिला है, अच्छा काम करो। तो यूं कहेंगे सरफराज जो है एक नेक इंसान है, और मैं चाहूंगा कि ऐसे नेक इंसान के लिए आप दुआ कीजिए, क्योंकि ये इंसान जो एक फीमेल के साथ काम करने के बाद भी उसके साथ कोई फायदा नहीं करना चाहता, उससे कोई फायदा नहीं उठाना चाहता, और साथ ही साथ वो ये चाहता है कि वो आगे बढ़े। हम आपकी जर्नी आगे बढ़ती, अभी मैं इतना जानना चाहूंगा कि आपने अब तक अपने प्रोडक्शन हाउस से क्या क्या बनाया? सर अभी के रोज मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, गाने किए हैं, जिसमें से एक मरजावा सॉन्ग जो कवर सॉन्ग किया है, एक पुलिस वाला है, और एक अपना एक गाना और है हरियाणवी मौज माले छोरी, और बाकी अभी राजू पंजाबी ये गाना करने वाली हूँ, और इसके बाद बैक टू बैक काम करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, हर इंसान की जिंदगी में शालनी एक डाउनफॉल, यानी कि एक ऐसा वक्त आता है कि इंसान को लगता है कि इंडस्ट्री छोड़ के सब कुछ कुछ नहीं हो रहा है, कभी आपको लगा कि आप बेकार है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई साथ नहीं दे रहा है? उसके बाद मैं अगला पॉइंट पूछूंगा। बिल्कुल सर, जब मैं अपने बच्चों को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या करना, किस लिए कर रही हूँ काम, छोटे बच्चे ही मेरे, मेरा छोटा बेटा जो है वो 8 साल का है अब है, और बड़ा तो खैर 7 साल का है, लेकिन उनको मेरी जरूरत है। बट मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉपरेट करते हैं, और सबसे अच्छा मेरी ससुराल बहुत अच्छी है, मथुरा जैसे शहर में रह के मैं काम कर रही हूँ, और मुंबई में आके आप लोगों का, आपका हुआ, सैफ सर का हुआ, उर्मिला जी का हुआ, काफी लोगों का मेरे ऊपर सहयोग है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक पॉइंट में आपने एक बोला था कि आप कहीं पीजी रहती थी, मैं दोबारा नाम लेना नहीं चाहूंगा, कि मैं उन लड़कियों से कहना चाहूंगा कि जो पीजी रहती हैं, ये जो पीजी होता है यहाँ पे लड़कियां रहती हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कम पैसे में मिल जाता है, और यहाँ पे एक सबसे बड़ा मिस पॉइंट क्या होता है कि अगर आपको काम मिलना शुरू हो गया तो सामने वाला आपसे जलना शुरू कर देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात सच है, ये बात सच है सर, मतलब
नाम मैं भी लूंगी, लेकिन मुझे लोगों ने बोला कि क्यों यहाँ आ रही है अपना घर देख जाके, क्यों परेशान हो रही है इस एज में आके, तेरी एज इतनी हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी एज इतनी है, मुझे पता है, मुझे काम करना है, मैं काम करने आई हूँ। वो ये भूल जाते हैं कि जब हमारे देश का संविधान लिखने वाले श्री अम्बेडकर साहब जब उस एज में वो संविधान लिख सकते हैं, और वो अगर शालिनी जी को डिमोटिवेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो ये चाहती हैं, उनको ये लगता है कि शालिनी उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, उनसे ज्यादा हुनर है, उनसे ज्यादा खूबसूरत है, उनसे ज्यादा एक्टिव है। तो वहां पे लोग चाहते हैं कि आप एक गड्ढे में गिर जाओ, उस गड्ढे में पानी डालने का और मिट्टी डालने का वो कर देंगे। खैर, यहाँ पे शालिनी जी, आपने उन चीजों को कभी माइंड पे लिया, फिर आप आगे बढ़ी? नहीं सर, देखिए मेरा कहना वही है जो सब कहते हैं कि आप चलते जाओ कुत्ते भोंकते भोंकते। ओके, कुत्तों के भोंकते से मुझे याद आया कि हाथी चल अपनी चाल, कुत्ते तो अब जगह भोंकते हैं। कुछ आपका नया क्या आ रहा है वो भी हमारे दर्शकों? हाँ सर, बहुत जल्दी हम लोग एक वेब सीरीज कर रहे हैं, अपने चैनल के लिए भी कर रहे हैं और एक एमएक्स के लिए भी कर रहे हैं। उसमें सब मार्केट के लोग हैं, जिसमें से आप भी हैं। एपिसोड में जी जी बिल्कुल ही साइनिंग साइनिंग अलाउंस की बताऊं मैं आपको कि मेरे काफी फ्रेंड लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ऑन कैमरा बोलता हूं, शालिनी मेरी आज की नहीं है, बहुत पुरानी दोस्त है और दोस्त से ज्यादा मेरी फैमिली मेंबर है। ये आधी रात को भी अगर मुझे बोल देना कि तू चल के आ जा तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि देखिए आज भी मैं शालिनी को कभी भी याद करता हूँ तो एक्टिव रहती है, और कभी भी कोई भी अच्छा बुरा काम करने से पहले मुंबई में तो मुझे एक बार फोन करके पूछते हैं, जी ऐसा करूं तो ये इसकी दोस्ती है, इसकी मोहब्बत है। इस बात में बात करूंगी, मुझे पता है जब मैं यहाँ नई नई आई थी उस समय में सुजय साहब में थी इनके घर पे, पीजी में, पीजी के फ्रेंड थे इनके साथ में, एक दो लोगों ने मुझे मिस गाइड किया, जहाँ की सुजय ने मुझे समझाया कि नहीं ये जगह तुम्हारी सही नहीं है। तो वाकई में ये आगरा के हैं, मेरी फैमिली मेंबर है और हम दोनों की माए सेम है, मीनाक्षी पांड्या जी है जो हम दोनों को गोद में रखा है, तो इसलिए बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और बस इतनी कमी। लव यू मीनाक्षी मॉम, मेरा तो आपसे छत्तीसगढ़ हो चुका है। खैर, वो बात की बात है। एक इस शो को अंत करने से पहले एक आखिरी सवाल जी, क्योंकि आप एक एक महिला है, एक लड़की है, एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहन है, एक दोस्त है। दोस्त आप सुजील खान के सैफ भाई की भी हैं और पत्नी तो अपने पति की है। जी बिल्कुल सर। और सिंपल सी बात, आने वाली जो लड़कियां हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? इंडस्ट्री में आ रहे तो उनको क्या तैयारी करनी चाहिए? सर देखिए, पहला तो ये लोग कहते हैं ये इंडस्ट्री बहुत गलत है, ये नहीं सर, हर लाइन गलत है, हर लाइन। आप टीचिंग लाइन ले लीजिए, नर्सिंग लाइन ले लीजिए, हर लाइन में कॉम्प्रोमाइज है। अगर अपना टैलेंट है, आप एक्टिव हो, तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। हमारा चैनल है नया, सूर्य सर है, काम देंगे आपको। बस मेरा ये कहना है कि जो डायरेक्टर समझाते हैं ना आपको, आप वो समझिए, ये नहीं कि कुछ भी करने को तैयार हो जाए बस। दोस्तों ये थी शालिनी आनंद, बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर, और बहुत खूबसूरत हैं, और मुझे इनके साथ बात करके, इनका इंटरव्यू लेने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानकारी की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो लड़कियां शालिनी जी की बातों से सहमत है, तो सबसे पहले तो आप एक शीशे में अपना चेहरा देखिए और अपना टैलेंट देखिए, आपको लगता है कि आप कुछ कर सकती हैं, उसके बाद आप मुंबई आइए। अगर आप कोई फोन करता है कि आप आ जाओ हम आपको स्टार बना देंगे या आपको हीरोइन बना देंगे, तो किसी के बाप में दम नहीं कि आपको हीरोइन बना सके। जब तक आपकी किस्मत, आपका टैलेंट आपके साथ नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी को फोन पे ये बोलोगे कि आप सर मुझे हीरो बना दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, तो कुछ भी का मतलब तो कुछ भी होता, तो ऐसे वाहिया सवालों का इस्तेमाल ना करें। आप बोले सर मेरे अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, हुनर है, मेरी किस्मत साथ देगी, ईश्वर चाहेगा, भगवान चाहेगा, वाहेगुरु अल्लाह चाहेगा, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। तो दोस्तों इसी शब्दों के साथ विदा लेता हूं, फिर मुलाकात करेंगे अगले शो के साथ। तो अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया और शालिनी जी की बातें समझ में आई हो, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, आपके फर्क तो मुझे इस चीज का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि ये चैनल मैंने लोगों की बातें आप तक पहुंचाने के लिए बनाया, ना कि पैसा कमाने के लिए, और ना ही मैंने कुछ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं एक एक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। शालिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू कि आपने तकिन समझ लिया। दोस्तों इस शालिनी आनंद के लिए ढेर सारी दिल से दुआ करना,
ये बंदी लाइफ में जो करना चाहती है, जहां तक पहुंचना चाहती है, अल्लाह ताला ईश्वर भगवान इसकी मदद करे और ये दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच।